ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें इंदौर के ब्रेन मास्टर क्लासेस के आकाश फौजदार ने 58वीं रैंक प्राप्त कर इंदौर का नाम रोशन किया। इसके साथ ही क्लास के प्रणय खंडेलवाल, शुभम अग्रवाल, अनामिका सोनी, दीक्षा पाटीदार सहित कई विद्यार्थी चयनित हुए। सभी ने अपनी सफलता का श्रेय बीएमसी को देते हुए सफलता का जश्न भी मनाया। एम्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक 58 है और नीट दी थी, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 906 थी। इसका श्रेय किसको देते हैं और कैसे आपने तैयारी की थी? सभी यहाँ की फैकल्टीज, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके सपोर्ट से ये हो पाया। सब लोगों का बहुत सपोर्ट था और तैयारी के लिए तो यहाँ पे जो बताते हैं उस हिसाब से पढ़ते गया, उस हिसाब से हो जाते। कितने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक जुलाई को एम्स का रिजल्ट आया है और आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जितने भी मेडिकल फील्ड में जाने वाले विद्यार्थी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबका टॉप डेस्टिनेशन होता है कि उनको एम्स मेडिकल कॉलेज मिले। और बड़े हर्ष की बात है कि एम्स का जो कल रिजल्ट आया है उसमें ब्रेन मास्टर क्लासेस के अभी तक 9 विद्यार्थी हैं जो रिपोर्टेड हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनमें से 4 टॉपर विद्यार्थी जो हैं वो अभी आपके साथ खड़े हुए हैं। इनमें से मैं बताना चाहूंगा, आकाश फौजदार ने ऑल इंडिया रैंक 58 अचीव की है। इसके बाद प्रणय खंडेलवाल 204 रैंक, और इसके अलावा शुभम अग्रवाल 255 रैंक, और इसके बाद पलाश अग्रवाल 724 है ना। तो ये इस तरह की रैंक है। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक का इंदौर की हिस्ट्री का सबसे अच्छा रिजल्ट मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि एम्स एग्जाम में इतने विद्यार्थी एक ही इंस्टीट्यूट से अभी तक चयनित नहीं हुए हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इन सारे विद्यार्थियों ने इसके पहले जो रिजल्ट घोषित हुए नीट के एग्जाम में भी ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इनमें से मैं पलाश अग्रवाल के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो जिपमर की एग्जाम होती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक ही मेडिकल कॉलेज है, उसमें ओनली 56 सीट हैं जो ऑल ओवर इंडिया पे बच्चे फाइट करते हैं। उनमें से 27 रैंक पलाश अग्रवाल ने लगाई है और वो इंदौर का एकमात्र चयन है। इसके अलावा पलाश अग्रवाल और आकाश फौजदार, ये दोनों ने एएफएमसी के लिए भी क्वालिफाई किया है।